चंद्रा मौर्य चौराहे में सर्विस रोड का चौड़ीकरण मरम्मत कार्य को लेकर चौक को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे वाहन चालक परिवर्तित मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। सड़क जाम से बचने को लेकर यहां ट्रैफिक कर्मचारी को तैनात किया गया है। नेशनल हाईवे के चंद्रा मौर्य चौराहे को आगामी 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चौराहे में फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों की आवाजाही को लेकर यातायात पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही चौपहिया वाहन चालकों से फ्लाईओवर का उपयोग करने की अपील यातायात पुलिस ने की है। वहीं चौराहे के बंद हो जाने की वजह से चंद्रा मौर्य चौक में यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। सभी प्रकार के वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां सड़क जाम की स्थिति भी बन रही है। व्यवस्था को बनाए रखने ट्रैफिक कर्मचारी की यहां तैनाती की गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं रात के समय चौराहे के बंद होने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। NH 53 में चंद्रा मौर्य सुपेला का जो फ्लाईओवर है, 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, जो पूर्ण तरीके से बन गया है। वाहन भी इसमें आवागमन चालू हो गया है। चंद्रा मौर्य चौक के नीचे जो सर्विस लेन बना हुआ है, उसके लिए अभी क्योंकि जो हाइट है वो 18 फिट है, जिसको 21 फिट किया जाना है, जिसके लिए उसमें खुदाई का काम हो रहा है। 1 सप्ताह तक चलेगा, उसके बाद डामरीकरण होना है। तो लगभग 15 दिन तक ये चौक को बंद किया गया है और डाइवर्शन प्लान भी किया गया है। जो गाड़ियाँ अंडरब्रिज से निकल रही है सेक्टर तरफ से, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। उसमें कल पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधीश महोदय द्वारा उसका चौक का निरीक्षण भी किया गया है और हिदायत दिया गया है कि वहाँ पर्याप्त साइन बोर्ड लगाए और काम को 24 घंटे करके जल्दी से जल्दी करें और लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जाम की स्थिति निर्मित ना हो, पर्याप्त रोशनी रहे, पर्याप्त स्टाफ रहे, समस्त निर्देश दिया गया है। और निश्चित रूप से 15 दिन तक ये जो डाइवर्शन किया जा रहा है, उसके बाद काम कम्प्लीट हो जाएगा। गौरतलब है कि फ्लाईओवर के नीचे चंद्रा मौर्य चौराहे में सर्विस रोड के चौड़ीकरण का कार्य काफी लंबे वक्त से चल रहा है। निर्माणी एजेंसी द्वारा काफी धीमी गति से कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। साथ ही दो पहिया चालकों को आवाजाही करने काफी परेशान होना पड़ रहा है। 15 दिनों के अंदर कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।